आज बना रहे हैं पाइनएप्पल रायता पाइनएप्पल रायता खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है हमारी हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा होता है क्या आपने कभी पाइन ऐप्पल रायता बनाया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इसको बनाना बहुत ही आसान है और यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है एक बार से आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पाइनएप्पल रायता यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पाइन एप्पल लिया है ये मैं बाज़ार से ऐसे ही कटवा के लेके आई थी फ्रेश पाइन एप्पल और इसको मैं इस तरीके से काट रही हूँ कि जो इसके बीच का पार्ट है हार्ड होता है उसको निकाल के क्योंकि इसे हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना होता ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो सॉफ्ट पार्ट ही हमें इसका लेना है इसको हम फेंक देंगे इस तरीके से तो इसमें से आधा पाइनएप्पल हम कट करेंगे बहुत ज़्यादा बारीक पीस भी नहीं करने हैं और मोटे भी नहीं रखने हैं तो मीडियम साइज के पीसेज रखने हैं और आधा इसमें से हम लेंगे पल्प बनाने के लिए तो पीसेज हमने काट लिए हैं यहाँ पर इसको हम साइड में रख देते हैं बहुत आसान है पाइन रायता बनाना और बच्चों को तो यह बहुत ज़्यादा भाता है अब कुछ रफली काट लेते हैं क्योंकि हमें इन्हें मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल इनका दरदरा सा पेस्ट बनाना है बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट भी ना बनाएं आप इनका तो जो पल्प होता है वो कर्ड में घुल जाता है तो उसका टेस्ट अलग ही आता है बिना पानी डाले आप इसको पल्प बना लीजिए इस तरीके से तो 100 ग्राम पाइन का हमने पल्प बनाया है और 100 ग्राम पाइनएप्पल के हमने पीसेस काटे हैं मीडियम आंच पर एक हम भगोना रखेंगे और उसमें डाल देंगे पाइनएप्पल का पल्प और साथ ही पीसेस भी दो चम्मच यहाँ पर हम चीनी ऐड करेंगे चीनी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं कम भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल सकते हैं कर्ट के अकॉर्डिंग होता है अगर आपकी कर्ड मीठी है तो आप चीनी कम डालिएगा तो यहाँ पर मैं दो चम्मच चीनी ले रही हूँ और इसको जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाती एक या दो मिनट के अंदर तब तक हम चलाते हुए इसको पकाएंगे पाइनएप्पल भी सॉफ्ट हो चुका है चीनी भी घुल चुकी है बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना तो यहाँ पर हम कर देते हैं गैस बंद बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है पाइन में से गैस बंद करने के बाद हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए तभी हमें आगे का प्रोसेस करना है बिल्कुल भी गर्म ये पाइन नहीं होगा तो हम इसे कर्ड में मिला लेंगे तो यहाँ पर हमने पाइन हमारा हो गया है ठंडा कर्ड ले ली है एक बाउल में पाँच ग्राम यहाँ पर पाइनएप्पल को मिला देते हैं और पाइनएप्पल का ये जो टेस्ट है इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है आप एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा यहाँ पर धनिया पत्ती डाल देते हैं इसका भी टेस्ट अच्छा आता है आप बिना धनिया पत्ती के भी इसको बना सकते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं बहुत ही जूसी सा रायता बन कर तैयार होता है आप चाहें तो इसमें नमक भी ऐड ना करें तब भी यह बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन मैं यहाँ पर नमक और जीरा पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि मैं रायता इसी तरीके से बनाती हूँ तो देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो गया है और गाढ़ा भी नहीं है ज़्यादा और पतला भी नहीं है क्योंकि मिक्सी जार में डालकर हमने इसे अच्छे से ब्लाइंड कर लिया था दही को पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करा था दही में टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा नमक डाल दिया है यहाँ पर आधा चम्मच डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर तभी तो इसमें रायते का टेस्ट आएगा इसको तो डालने से लीजिए बनकर तैयार है हमारा पाइनएप्पल का रायता फटाफट से सर्व कर लीजिए आप इसे किसी भी रोटी दाल पराठा किसी के भी साथ खाइए ये बहुत ही बेहतरीन स्वाद देता है तो आपको कैसी लगी पाइनएप्पल रायता की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना खूब ख्याल रखिए नमस्कार